हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बैटरी का जो ख़राब सेल है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कैसे पता लगाते हैं कि बैटरी से बैकअप नहीं आ रहा है और ख़राब सेल हो जाता है तो बैटरी बैकअप पूरा नहीं दे पाती है। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत सी बातें आपको जानने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये एक और दो बैटरी का सेटअप है, मतलब 12 24 वोल्ट की बैटरीज हमारे कनेक्ट है सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर ये जो सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें देखिए, आप देखें 22.1 वोल्ट आ रहा है, तो काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन अभी लोड है, कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, लाइटें भी जल रही है, तो यहाँ पर होना चाहिए 24.5 वोल्ट होना चाहिए कम से कम, या 25 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ काफ़ी कम वोल्टेज आ रहा है। तो उसका मैंने डायग्नोस कैसे किया कि पहला काम तो करेंगे, अलग अलग बैटरी का वोल्टेज चेक कर देते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए, नए वाली जो बैटरी है, पीछे वाली, उसका वोल्टेज आ रहा है 12.16 वोल्ट आ रहा है। अब हम इधर, ये थोड़ी पुरानी बैटरी है, इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ ये जो पुरानी बैटरी है, इसका वोल्टेज देखिए 9.83 आ रहा है, मतलब इसमें कोई सेल ख़राब है। इधर वाली बैटरी में कौन सा सेल ख़राब है वो अभी देखते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, ये सारे कैप को खोल लिया है, एक कॉइन की मदद से इनको खोल लिया है, और इसमें प्रत्येक सेल का हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो प्रत्येक सेल को चेक करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर 20 वोल्ट पे ही है, और ये जो प्रोब है, ये एक इसमें हम डुबो दिए मैंने एक साइड में, और यहाँ पे हम ये जो बैटरी का अंदर, यहाँ देखिए 2.808 वोल्ट आ रहा है जो पहला सेल है उसके अंदर। और इसके बाद हम आगे वाला सेल चेक करेंगे, तो इसमें जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसमें देखिए, इसमें भी 2.07 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे वाला सेल चेक करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है। ओहो, तो यहाँ पे आप देखिए, वोल्टेज जो है 0.05 आ रहा है। तो ये जो सेल है, इसमें वोल्टेज नहीं बन पा रहा, ये सेल ख़राब हो गया है, बैटरी ही चेंज करवानी पड़ेगी। इसके बाद ये जो अगला सेल है उसको भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 1.99, ये देखिए 97, ये भी ठीक है सेल। और इसके बाद ये लास्ट वाला सेल चेक करेंगे, यहाँ भी 2 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद यहाँ ये जो टर्मिनल है, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे तो वोल्टेज कम ही आएगा, यहाँ पे 0.76 आ रहा है। ये वोल्टेज ठीक है, इतना ही रहता है लगभग, थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है। तो ये वाली जो साइड है, इसमें भी इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा वोल्ट ज़्यादा आना चाहिए, यहाँ 1.46। तो ये वाला टर्मिनल से भी चेक करना है, प्लस की साइड हमेशा जो है, यहाँ ये प्लस का है, प्लस की साइड 1.46 के करीब होता है, और माइनस वाली जो साइड है उस तरफ 0.75 के आसपास आ जाता है। तो हमने देखा ये बीच का जो सेल है उसमें एक ये ख़राब हो चुका है, ये बैटरी भी हमें अभी वारंटी पीरियड में है और इसे चेंज करवाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप ये दूसरी बैटरी है, इसके प्रत्येक सेल को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।